धर्मी परमेश्वर को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का पहला वाक्य, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर विश्वास से धर्मी हो विषय पर मनन करने में प्रभु को समर्पित करें। प्रवृत्ति के कारण धर्मी ठहरते हैं या फिर अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ऐसा एक गुट विवाद करता है और पाप के साथ पाप बढ़ाकर निराशा में जीते समय यीशु मसीह में विश्वास के कारण परमेश्वर से धार्मिकता प्राप्त कर संतोष में है हम में से हर एक। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के कारण कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह का पाप मुक्त लहू ने पाप से भरे हुए मेरे लहू के बदले कीमत चुकाई। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर जब मैं विश्वास करता हूँ तब परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या हम धर्मी ठहरे हैं? उसके अलग अलग चिन्ह इस अध्याय में देखने को मिलते हैं। यहाँ पढ़े हुए वाक्यानुसार हम विश्वास से धर्मी ठहरे, इसका पहला चिन्ह है हमें परमेश्वर में शांति मिलती है। ये शांति कौन सी है? ये शांति ये संसार नहीं दे सकती। पाप का बोझ हट गया है। पाप जब क्षमा हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति में जो शांति हमें प्राप्त होती है वहाँ हम धर्मी ठहर गए हैं। उसका यह एक प्रतीक है। दूसरा, यह वाक्य विस्तार से एक सत्य और बताता है, वह है धर्मी ठहरने के पश्चात हमें एक पदोन्नति मिलती है, वह है कृपा में यीशु मसीह के निमित्त प्रवेश मिलता है। मसीह में विश्वास से धार्मिकता प्राप्त कर कृपा में प्रवेश कर पदोन्नति प्राप्त किए हमें कष्ट के संबंध में हमारा मन का भाव बदल जाता है। हम धर्मी ठहर गए हैं, यह उसका तीसरा निश्चित प्रतीक है। तीसरे, चौथे और पांचवें वाक्य में पढ़ते हैं, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यीशु मसीह द्वारा धर्मी ठहरे हुए जन उनके जीवन के सारे कष्टों में प्रशंसा करने वाले होते हैं। एक वाक्य में कहें तो हमारे मन के भावों में ही बदलाव आ जाता है। पांचवें वाक्य में इस तरह लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, विश्वास से धर्मी हुए हमारे जीवन में परमेश्वर का स्नेह हमारे हृदयों में फैलता है। यह धार्मिक ठहरने का चौथा चिन्ह है। यीशु मसीह के द्वारा धर्मी जन के जीवनों में विभिन्न कष्ट और विपरीत परिस्थितियों की वृद्धि हो जाए तो भी वहाँ आशा से और स्नेह से हृदयों में भरपूरी होती है। मैंने क्लोवरकर नामक एक लड़की की आत्मकथा पढ़ी है। एक ट्रेन दुर्घटना में उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा दिए। जीवन नरक के समान हो गया। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे और उसका बिछौना आंसुओं से गीला रहता था। अस्पताल में जीवन व्यतीत करने की एक अवस्था थी। इस स्थिति में रेडियो के माध्यम से सुसमाचार सुनाने के लिए उसे आमंत्रित किया गया। बिना हाथ पैर के अस्पताल के एक कमरे में कपड़ों के थैलों के समान उसे कई लोगों ने रोका कि तू क्या कहना चाहती है, तेरे पास क्या है कहने के लिए। लेकिन उसके मन के भाव अलग थे। उसने आमंत्रण स्वीकार किया। उसने बहुत चिंतन मनन कर एक संदेश तैयार किया। आशा से भरा उसका संदेश रेडियो के माध्यम से हजारों ने सुना। उसके पश्चात बार बार उसका संदेश सुनने की डिमांड रेडियो के अधिकारी श्रोताओं के डिमांड को मान गए और उसे बार बार अवसर दिया गया। उन अवसरों को उसने बुद्धिपूर्वक उपयोग किया। अपने जीवन के कष्टों से पढ़े हुए पाठ को एक संदेश के रूप में दूसरों में बाँटा
और वो संदेश आशा की किरण बन गई। मेरे प्रिय श्रोता, यीशु मसीह में विश्वास द्वारा धर्मी हुए हम में शांति है। परमेश्वर से कृपा का संचार है। सभी कष्टों में परमेश्वर की भरपूरी है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।